हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 12। हमने लास्ट जो है आपकी एक्सरसाइज 10C तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो क्वेश्चन है वो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। अब देखो इसमें कुछ कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो इधर 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin² x - 1। जब भी cos के साथ बनाएगा तो 1 को एलिमिनेट करेंगे, तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos² x - 1, एक होता है 1 - 2 sin² x। ये डिपेंड ही कौन सा फॉर्मूला कहाँ रहेगा, 2 cos² x - 1 और 1 - 2 sin² x। एक होता है sin 3x का 3 sin x - 4 sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x - 4 sin 3x। cos 3x का होगा 4 cos³x - 3 cos³x। tan 3x का फॉर्मूला 10 2x का 2 tan x / 1 - 10 2x। एक cos का 10 की टर्म में फॉर्मूला होता है 1 - 10 2x / 1 + 10 2x। sin 2x का होता है 2 tan x / 1 + 10 2x। यह माइनस है यहाँ प्लस है, cos में 1 - 10 2x / 1 + 10 2x। एक फॉर्मूला होता है 10 inverse x + 10 inverse y का, 10 inverse x + y = 1 - 10 xy। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्मूला है। 10 inverse x - 10 inverse y होता है 10 inverse x - y / 1 + xy, और 10 inverse x + 10 inverse y कितना होता है, 10 inverse x + y / 1 - xy। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको इन्वर्स में भी यूज होंगे, आगे भी चैप्टर्स में यूज होंगे, और पीछे के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी यूज होगा। अगर कहीं पर नोट a² - x² आ जाता है तो हम x के या तो a साइन थीटा पुट करते हैं या a cos थीटा पुट करते हैं। अब a की जगह अगर 1 आ जाए 1 4, तो उसी हिसाब से वैल्यूज पुट होंगी। अगर 1 - x² आ जाए तो a तो 1 हो गया ना, तो साइन थीटा या cos थीटा पुट होगा, 1 sin θ 1 cos θ। तो अगर a² - x² आता तो क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा या a cos थीटा। 1 - x² आता तो क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या cos थीटा। a² + x² आता तो x वैल्यू पुट करते हैं, a tan थीटा या a cos थीटा। 1 + x² आएगा तो x की 10 थीटा या cot थीटा। यहाँ पे a तो a tan थीटा या cot थीटा प्लस वाले में, क्योंकि 1 + tan² θ को हम sec² θ लिखेंगे, 1 + cot² θ को cosec² θ लिखेंगे। 1 + x² आ जाएगा तो x की 10 थीटा या cot थीटा पुट करेंगे। x² - a² तो x की a cosec θ या a sec θ। x² - 1 तो x की cosec θ या sec θ। a - x आएगा तो x की a cos²θ पुट करते हैं। 1 - x होगा तो x से क्या पुट करते हैं, cos²θ। a की जगह बना दिया, क्लियर। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले तो ये आपको फॉर्मूलेज ध्यान होने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में नई ट्रिक लगेगी। 65 के 65 क्वेश्चन में, 51 के 51 क्वेश्चन में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट। आज हम कोशिश करेंगे 28 तक कंप्लीट कर देंगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक्स लगनी है। अब वो टेक्निक भी तभी आपको लगा पाओगे जब आपको ये कंसेप्ट याद होंगे, सारी आइडेंटिटीज और ये सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे। तो ये आपको पहले टिप्स पे करने हैं, जब तक आप टिप्स पे नहीं करोगे आपसे एक्सरसाइज नहीं होगी, क्लियर। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ, इसकी मैं आपको पिक साइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ आपने फॉर्मूलेज लिखे थे डिफरेंशियल की, वहाँ पे पहले इसको नोट डाउन करना, इसको लर्न करना, देन स्टार्ट करें एक्सरसाइज, क्लियर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, y = sin inverse √1 - cos x अपॉन 2। अब यहाँ पे sin inverse x का डिफरेंशियल नहीं होगा, पहले सॉल्व होगा ये y = sin inverse। अब देखो cos के साथ बनाना है, आप आइडेंटिटी लगाएंगे, वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जिससे 1 एलिमिनेट होता है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे 1 - 2 sin² x पर। cos 2x होता तो 1 - 2 sin² x आएगा, cos x होगा तो 1 - 2 sin² x / 2 आएगा, अपॉन 2 क्या देगा y = sin inverse 1 - 1 + 2 sin² x / 2 अपॉन कितना आएगा, 2 1 7 क्या होगा, कैंसिल, y = sin inverse √√sin² x / 2, 2 से 2 कट गया, sin² x / 2। sin² से √ कैंसिल हो जाएगा तो y = आएगा sin inverse sin x / 2। sin से sin कैंसिल तो y कितना आ गया, x / 2। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई वन अपॉन टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, वाई का डिमेंशन डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन टू, एक्स का डिमेंशन कितना होगा अपन आंसर। डिफरेंशियल तो बहुत ईजी है, मेन तो स्टार्टिंग है, कॉस के साथ वन आ रहा था, कॉस के साथ जब भी बना आपको वन को एलिमिनेट कर रहे हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी की हेल्प से, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ वन कॉस माइनस का था तो जब इसको मैं ओपन करूँगा तो वन अगर प्लस का है पहले से तो माइनस होगा, यहाँ प्लस तो कैंसिल होगा ना, तो उसमें वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन चेंज हुए ना, वन से वन कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाहर आके साइन एक्स बाई टू, साइन इनवर्स साइन एक्स से कैंसिल, तो कितना बचा एक्स बाई टू वन बाई टू बाहर, एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू करेंगे फोर करेंगे थर्ड यू हैव टू डू योर सेल्फ। करें क्वेश्चन नंबर टू, अब देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहे हैं, वाई प्लस टू है टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस, अब कॉस के साथ बना रहे तो क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स को क्या लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन से वन क्या हो गया कैंसिल, टू से टू कैंसिल हुआ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, वाई इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, अगर यहाँ पर कॉट गया था ना तो भी सॉल्व हो जाता, कोई कॉर्ड को लिख देता मैं टेन नाइनटी माइनस एक्स बाई टू, अभी तो टेन ही आ रहा है एक्स बाई टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वन अपॉन टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल वन तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया दिस इज योर आंसर। तो डिफरेंशियल तो ईजी हो रहा है, मेन चीज स्टार्टिंग है, साइन एक्स को लिखा टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस के साथ बना रहा था वन एलिमिनेट के टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल साइन कॉस से कॉस साइन अपॉन कॉस कितना आ गया टेन एक्स बाई टू, टेन से टेन कैंसिल एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का डिफरेंशियल वन बाई टू। क्वेश्चन नंबर थ्री यू हैव टू डू योरसेल्फ, आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर फोर, फोर सिक्स सेवन करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री यू हैव टू डू योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ में दिया है वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, कॉस के साथ बनाएगा तो एलिमिनेट कर देंगे वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स यह देगा वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन वन माइनस माइनस के टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन से वन क्या हो गया कैंसिल, वाई इक्वल्स टू हो गया कॉट इनवर्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस वन प्लस के टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन से वन कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो यह देगा वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट स्क्वायर एक्स बाई कॉट से अंडर रूट कैंसिल होगा तो वाई इक्वल्स टू कितना आएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, वाई इक्वल्स टू कितना आ गया एक्स बाई टू, डिफरेंशियल कितना आएगा वन बाई टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन अपॉन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल वन डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया वन अपॉन टू, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है वही कॉस के साथ बनाना था तो वन को क्या करना था एलिमिनेट करना था, वन प्लस कॉस एक्स था तो वन प्लस कॉस एक्स को लिखा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, या आगे वन माइनस कॉस एक्स को लिखा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन से वन कैंसिल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन से वन कैंसिल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू,
कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू और हमारा की कॉट एक्स बाई टू, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, वाई आ गया एक्स बाई टू, तो इसका डिवाइडेड इसके कितना आएगा 1/2, एक्स बाई टू का डिफरेंशियल। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 16 है। मैंने आपको एक कंसेप्ट पीछे वाली एक्सरसाइज में भी समझाया, वाई इक्वल्स टू 6 करें कॉट इनवर्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मैंने आपको एक कंसेप्ट पिछली वाली एक्सरसाइज में समझाया था, जब इस तरीके की टर्म आती है तो हम क्या करते हैं कॉस एक्स से डिवाइड करते हैं पहले, फिर टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाते हैं, डिवाइड बाई कॉस एक्स इन ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉस अपॉन कॉस कितना आएगा 1 माइनस के टेन एक्स अपॉन कॉस 1 प्लस 10। हर टर्म में हमने कॉस एक्स से डिवाइड किया, पीछे भी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया तो उसमें मैंने कॉस एक्स से डिवाइड किया, फिर 1 को लिख लिया 10π/4 कॉट इनवर्स 10π/4, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे इंटू में 1 मान सकता हूँ तो यह जाएगा 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी 10 माइनस 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10, क्या देगा वाई प्लस टू कॉट इनवर्स 10π/4 माइनस 6। अब कॉट से तो 10 कैंसिल होगा नहीं, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है 10 थीटा होता है, तो 10 थीटा को मैं कॉट 90 माइनस थीटा लिखूँ, ये पूरा थीटा मानूंगा और इसको लिखूँ कॉट 90 माइनस थीटा कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस 6, तो यह देगा आपका y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू माइनस के पाई बाई फोर माइनस सिक्स। भाई इसको हमने पूरे को थीटा मान लिया 10 थीटा, और 10 थीटा किसके इक्वल होता है कॉट 90 माइनस थीटा के होता है, 90 हो गया आपका पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो गया पाई बाई फोर माइनस सिक्स, कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ गया आपका पाई बाई टू माइनस के पाई बाई फोर प्लस सिक्स पाई बाई टू प्लस एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पाई बाई टू का डिफरेंशियल कितना होगा 0 और एक्स का वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया 0 प्लस 1 दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया, जब भी ऐसी टर्म आएगी तो हम क्या करेंगे कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने कॉस एक्स से डिवाइड करा, डिवाइड बाई कॉस एक्स इन ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ के 1 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स, 1 को लिखेंगे 10π/4 क्या है 10π/4 माइनस के 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10 एक्स, 10 ए माइनस बी क्या है 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10 बी, तो यहाँ के वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 10π/4 माइनस एक्स, तो उसको लिख दिया वाई इक्वल्स टू हमने कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू माइनस के कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स, कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ के वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस के पाई बाई फोर प्लस एक्स, पाई बाई टू में से पाई बाई फोर का तो कितना बचा पाई बाई टू, डी बाई बाई एक्स से ज्यादा पाई बाई टू का डिफरेंशियल 0 एक्स का मतलब कितना आंसर आ गया बना गया। सेवेंथ करेंगे, नाइन्थ करेंगे, टेंथ करेंगे, एट यू हैव टू डू योरसेल्फ। करें क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस के साथ वैसे तो बना रहा है, 1 को एलिमिनेट करना हो जाएगा, क्वेश्चन ऊपर लिख देना 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1, सॉल्व हो गया आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से एक क्वेश्चन करते हैं, देखो 9th क्वेश्चन, आइडेंटिटी बन गया डायरेक्ट,
वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और एट और टेंथ में भी सीधा आइडेंटिटी बन गई है। देखो नाइन्थ क्वेश्चन, वाई इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अभी आइडेंटिटी याद कराई थी मैंने कॉस टू एक्स की, कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी होती है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो याद रहेगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी है, सिंपल इसको कॉस टू एक्स लिखते हैं। अब साइन से कॉस तो कैंसिल होगा नहीं, लेकिन साइन 90 माइनस सीटा कितना होता है कॉस सीटा होता है, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस सीटा, 90 कितना होता है पाई बाय टू, थीटा कितना है यहाँ पर 2x, तो पाई बाय टू माइनस 2x आ गया, साइन से साइन कैंसिल वाई कितना आ गया पाई बाय टू माइनस 2x, साइन इनवर्स साइन पाई बाय टू माइनस x, साइन से साइन कैंसिल पाई बाय टू माइनस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड x ऑफ पाई डिवाइड x ऑफ पाई बाय टू माइनस के टू डिवाइड x ऑफ x, पाई बाय टू का डिफरेंशियल कितना होगा जीरो, y का डिवाइड बाई टू इसका जीरो माइनस के टू एक्स का वन, तो आंसर कितना आ गया माइनस टू। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर माइनस टू, क्लियर। वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट आइडेंटिटी है कॉस टू एक्स की, और कॉस टू एक्स को हम साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो साइन पाई बाय टू माइनस टू एक्स आ गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो पाई बाय टू माइनस टू एक्स आ गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स और पाई बाय टू माइनस के टू डीवाई डी एक्स ऑफ एक्स, पाई बाय टू का डिफरेंशियल जीरो एक्स का वन, तो माइनस टू आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया आपको कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर टेंथ, टेंथ में भी डायरेक्ट आइडेंटिटी ले, टेंथ में क्या कह रहे वाई इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू टेन एक्स, इसकी आइडेंटिटी होती है साइन टू एक्स की, साइन टू एक्स की आइडेंटिटी टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, रेसिप्रोकल में लिखी हुई है, वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन अपॉन साइन टू एक्स, क्योंकि साइन टू एक्स की आइडेंटिटी टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स टू एक्स, कॉसेक एक्स टू एक्स, कॉसेक एक्स से कॉसेक कैंसिल वाई इक्वल टू टू एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया टू एक्स के डिफरेंशियल कितना होता है, ये साइन टू एक्स की आइडेंटिटी है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, रेसिप्रोकल लिखे ना तो मैंने भी नीचे लिखा है रेसिप्रोकल, साइन टू एक्स ऊपर जाके कॉसेक एक्स टू एक्स हो गया, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल वाई इक्वल टू टू एक्स, एक्स के डिफरेंशियल तो वाई इक्वल टू टू आ गया। क्वेश्चन नंबर टेन तक कंप्लीट हो गया आपके, क्वेश्चन नंबर इलेवन करें, इलेवन क्वेश्चन में ये कह रहे हैं वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, अब देखो यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता, कोई बात नहीं करेंगे तो इसे भी, इसको साइन कॉस से ब्रेक कर दो, वाई इक्वल्स टू कितना है कॉट इनवर्स, कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस साइन वन अपॉन साइन, इसको लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन, नीचे रिजन कितना आएगा साइन एक्स आएगा, तो वाई इक्वल्स टू कितना आएगा कॉट इनवर्स साइन एक्स एल से या जाएगा वन प्लस कॉस एक्स, तो क्वेश्चन सर ना लो साइन कॉस में ब्रेक करा वन अपन साइन एक्स प्लस कॉट को लिखा कॉस अपन साइन एक्स, एन सी एम आ गया साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स अपन साइन एक्स, कॉस के साथ जब भी बनाते तो वन को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया कॉट इनवर्स वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, साइन एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स बाई टू इन टू कॉस एक्स बाई टू, वन से वन कैंसिल टू से टू कैंसिल हो गया कॉस से कॉस कैंसिल होगा, वाई इक्वल टू कितना आएगा कॉट इनवर्स कॉस से कॉस कैंसिल कॉट एक्स बाई टू, कॉट से कॉट किया तो वाई इक्वल टू कितना आ गया एक्स बाई टू आ गया, डीवाई बाई डी एक्स कितना आएगा इसका वन बाई टू आ गया,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका डिवाइडेड करें कितना है होना था, cos x को लिखा 1 अपॉन sin x, cot को लिखा cos x अपॉन sin x, sin x एलसीएम, 1 plus cos x, 1 को लिखा 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1, cos x की हाफ एंगल आइडेंटिटी, नीचे 2 sin x by 2 cos x by 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 cos से cos कैंसिल होगा, cos अपॉन sin cot x by 2, cot से cot कैंसिल x by 2, x by 2 के डिमेंशन बन गए। क्वेश्चन 11 आंसर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 करें। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वाई इक्वल्स टू लिखा है टेन इनवर्स कॉट एक्स, टेन इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स टेन एक्स। अब 10 से कॉट तो कैंसिल होगा ना, तो कॉट को 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो वाई इक्वल्स टू कितना देगा, क्वेश्चन नंबर 12 10 इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2, सॉरी हाँ कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है 10 एक्स होता है, 10 से 10 कैंसिल तो भाई आगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये भी पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है, वाई इक्वल्स टू अगेन 2 पाई बाय 2 माइनस के 2 एक्स, वाई इक्वल्स टू पाई माइनस 2 एक्स, डिफरेंशियल कितना होगा डी बाई डी एक्स, पाई का जीरो माइनस टू एक्स का, पाई का डिफरेंशियल जीरो होगा माइनस टू एक्स, माइनस टू बाहर एक्स का बन, तो डी बाई डी एक्स आगे माइनस का। कॉट एक्स को हमने पाई बाय टू माइनस टेन पाई बाय टू माइनस एक्स, जब को टेन नाइनटी माइनस सीटा कितना होगा कॉट होता, और टेन एक्स इक्वल टू कॉट पाई बाय टू माइनस एक्स, यहाँ टेन से टेन कैंसिल कॉट से कॉट कैंसिल, पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स टू पाई बाय टू माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में जैसे 13 होना है 16 होना है, हम 13 कर लें, वाई इक्वल टू एस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम ए साइन थीटा ही कॉस थीटा पुट करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स सीधे के साइन थीटा पुट करो या कॉस थीटा पुट करो, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है साइन इनवर्स है ना, तो यहाँ पे कॉस पुट कर दो क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स की जगह आप कॉस थीटा पुट करो क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होगा, तो y इक्वल टू देखो कितना है साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट y इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा आ गया, अगर यहाँ पे कॉस होता तो साइन पुट करना क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यह देखा साइन इनवर्स साइन थीटा कितना देगा वाई इक्वल टू थीटा, अब थीटा की वैल्यू रिटर्न करो, एक्स इक्वल टू कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा थीटा इक्वल टू कितना होगा कॉस इनवर्स एक्स, अगर आप कॉस थीटा को एक्स मान रहे हो तो थीटा कितना आएगा थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस, दैट इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, अगर आप साइन थीटा को एक्स मान रहे हो तो थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स आएगा, थीटा कितना आएगा कॉस इनवर्स, अब डिफरेंशियल करें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल याद कराया था, इतना होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स, मैंने आपको भी आइडेंटिटीज याद कराई थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स जगह ए साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर तो या तो वन की जगह या तो कॉस पुट करेंगे या साइन पुट करेंगे, एक्स से हमने कॉस थीटा पुट कर लिया तो आगे वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो वाई कितना आ गया थीटा,
थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है, तो वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 यू हैव टू डू योरसेल्फ, 16 में आप एक्स की जगह जो है साइन पुट करना, तो साइन से कॉस आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, एक्स की जगह हमने कॉस थीटा पुट किया, क्यों पुट किया, क्योंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, बाहर आके साइन से साइन कट जाएगा, थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू रिटर्न करी, थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सेम है, मैंने बताया था वन माइनस एक्स है वन प्लस एक्स है, तो आप क्या पुट करोगे, कॉस थीटा पुट करोगे, चाहे कॉस टू थीटा पुट कर लो चाहे कॉस थीटा पुट कर लो, क्योंकि वन से हाफ एंगल आइडेंटिटी से वन कदम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सेम, I'm doing the question number 14. अब देखो 14 में क्या कह रहा है, 14 में लिखा है y equals to sine inverse 1 minus x upon 2, 14 में भी x के cos theta पुट करो, 15 में भी, क्योंकि 1 से cos कैंसिल हो जाता है, cos 1 को फिनिश कर देगा, पुट किया y equals to कितना है sine inverse 1 minus cos theta upon 2, कॉस के पास वन को फिनिश करने की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है, तो वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा वाई अपॉन टू, वाई इक्वल्स टू आएगा साइन इनवर्स वन माइनस के वन प्लस के टू साइन स्क्वायर थीटा वाई अपॉन टू, वन से वन क्या हो गया कैंसिल, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बाई, साइन से साइन कट गया, वाई कितना आ गया थीटा बाई टू आ गया, थीटा की वैल्यू रिटर्न कर दो, थीटा की वैल्यू है कितनी कॉस इनवर्स एक्स, देखो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स वन अपॉन टू दोबारा आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो आंसर आके माइनस के टू अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, 15 का आंसर 14। जब भी वन माइनस एक्स आता है वन प्लस एक्स आता है, तो आपको कॉस थीटा पुट करना है, क्योंकि कॉस के पास वन को फिनिश करने की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है, इसलिए मैंने इस जगह यहाँ पे कॉस थीटा पुट किया, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू, वन माइनस कॉस थीटा को लिखा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई, वन से वन कैंसिल हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू, टू से टू कटा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बाहर आ गया, साइन से साइन कैंसिल थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू रिटर्न करी कॉस इनवर्स एक्स, तो वाई आ गया कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 15। यू हैव टू डू योरसेल्फ, साइन टू थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी है, टू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा लेते हैं, तो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया टू थीटा, वैल्यू रिटर्न करो, थीटा कितना हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इसका डीवाई बाई डी एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स, ये आंसर।
एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो साइन थीटा पुट करते हैं, कॉस थीटा पुट करते हैं, क्या गेट 2 साइन थीटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रिटर्न कर दो साइन वर्सेस एक्स, साइन वर्सेस एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एटीन में आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, 18 में x की जगह साइन थीटा पुट करना, तो साइन थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। 19 में साइन वर्स 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस 2 थीटा की होती है ना, तो x की जगह आप साइन थीटा पुट करना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस 2 थीटा लिख देंगे, कॉस को लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, उससे सॉल्व हो जाएगा। और 20 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप एक्स के साइन थीटा पुट कर देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आके साइन हो जाएगा, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो तीनों में साइन पुट करना। 18 19 20 20th क्वेश्चन यू हैव टू डू, 19 18 19 20 यू हैव टू डू योरसेल्फ, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर, थैंक यू।